हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक होगा आरएफएलबी। स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने आरएफएलबी के बारे में पढ़ा था। उस आरएफएलबी में हम लोगों ने ये बात की कि ये एक प्रकार के जेनेटिक मार्कर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं मैटरनिटी पैटर्निटी टेस्टिंग में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि हमारे डीएनए में, इंडिविजुअल के डीएनए में ऐसे कुछ खास डीएनए सीक्वेंसेस हैं, कुछ ऐसे जीन हैं जो हाईली यूनिक है, और वो उस व्यक्ति की पहचान भी होती है, उनके आइडेंटिटी भी होती है। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को यूज करके हम इंडिविजुअल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था जेनेटिक मार्कर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने आरएफएलबी के बारे में बात की थी कि आरएफएलबी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो पूरी तरह से प्रोब के हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित है। ऑलराइट, उधर वहां हम लोगों ने बात की थी कि जब हम किसी इंडिविजुअल के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम क्लीव करते हैं, और जब हम उसकी सडन ब्लॉटिंग करने के बाद, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, सडन ब्लॉटिंग करने के बाद जब हम प्रोब के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो वहां हमको इंडिविजुअल के डीएनए के लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है। ऑलराइट, तो उस पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर हम लोग उसका नाम रखा है आरएफएलबी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएफपीडी के बारे में। RAPD जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ऑलराइट, आरएफएलबी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड आरएपीडी रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। स्टूडेंट्स, आरएफएलबी में हम लोगों ने बात किया था कि वो एक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड अप्रोच है, जबकि जो आरएपीडी है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जैसा नहीं, यहां इंपॉर्टेंट है एम्प्लीफिकेशन। स्टूडेंट्स, एम्प्लीफिकेशन का शब्द आप लोगों ने पीसीआर में पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, आरएफएलबी में हमें डीएनए की आवश्यकता होती है, पर वहां पर हम पीसीआर जनरली नहीं करते। यहां पर आरएपीडी ये पूरी तरह से पीसीआर बेस्ड अप्रोच है, मतलब यहां पर हमको अपने डीएनए को पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करवाना है, और उसके बाद ही हम अपने जो हमारा आउटपुट है, जो रिजल्ट है, हम उस तक पहुंचने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आरएफएलपी, माफ कीजिएगा, आरएपीडी एक पीसीआर बेस्ड अप्रोच है, जैसे कि इसका नाम है आरएपीडी रैंडम एम्प्लीफिकेशन। देखिए, दो चीजें होती है, एक या तो कोई चीज प्रॉपर वे में होती है या इम्प्रॉपर वे में होती है। ठीक है, रैंडम का मतलब यहां पर थोड़ा सा वो इम्प्रॉपर वाले सेंस को यहां पर बताना है। नॉर्मली क्या होता है पीसीआर में, कि पीसीआर करने के लिए हमारे पास डीएनए सैंपल होना चाहिए, टैग डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस होना चाहिए, बफर एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज, हम लोगों ने भी जस्ट बात की, बफर है, मैग्नीशियम आयन है ना, प्राइमर्स वगैरह, इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मली पीसीआर रिएक्शन में जो प्राइमर हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए सैंपल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमें अपने डीएनए सैंपल में सीक्वेंसेस के बारे में पता होता है, जिस सीक्वेंस, मतलब जहां पर हमको प्राइमर को बाइंड कराना है हमें उस सीक्वेंस की जानकारी होती है। लेकिन आरएफपीडी की ये सबसे खास बात होती है कि यहां पर जिस डीएनए सैंपल का हम एम्प्लीफिकेशन करने जा रहे हैं हमें उसके सीक्वेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ऑलराइट, हमारा डीएनए का जो सैंपल है वो रैंडम, मतलब डीएनए का सैंपल तो है लेकिन उसमें जो सीक्वेंसेस है वो सीक्वेंस हमको पता नहीं होता है। हमारे डीएनए में जो प्राइमर बाइंड करने वाला है वो कैसा है, रैंडम है। रैंडम का मतलब ये है कि हमारा प्राइमर डीएनए के किसी यूनिक साइट पर नहीं बल्कि कहीं पर भी बाइंड कर लेगा। वो शुरुआत में बाइंड कर सकता है, बीच में बाइंड हो सकता है, लास्ट में बाइंड कर सकता है, कहीं पर भी बाइंड कर सकता है। ऑलराइट, तो आरएपीडी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक पीसीआर बेस्ड अप्रोच है, और इसमें जो डीएनए सीक्वेंस है उनमें सीक्वेंसेस का पता होना, मतलब नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जो प्राइमर हम यूज कर रहे हैं वो रैंडम प्राइमर यूज कर रहे हैं, ऐसा प्राइमर जो डीएनए में कहीं पर भी जाकर बाइंड कर रहा है। ऑलराइट, ऐसा प्राइमर जिसमें आर्बिट्ररी सीक्वेंस होते हैं, आर्बिट्ररी सीक्वेंस, ठीक है, हमें उन सीक्वेंस पर पता नहीं है डीएनए के सीक्वेंस, हमारा जो प्राइमर है हमने उसको रैंडमली बना दिया, अब वो सीक्वेंस हमारा कहीं पर भी। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि यदि प्राइमर की लेंथ ज्यादा है तो उसकी डीएनए पर बाइंड करने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो उसी बढ़ जाती है, क्योंकि सीक्वेंसेस ज्यादा है तो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन कहीं ना कहीं मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि ह्यूमन का डीएनए बहुत बड़ा होता है।
लेकिन अगर प्राइमर की साइज बहुत छोटी है तो उसको बाइंड करने में थोड़ा सा मूव करना पड़ सकता है, जहां उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर ही मिलेगी वो वहीं पर जाकर बाइंड कर लेगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं इस आरएपीडी में, इस हर टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं। सो सेम अगेन वही बात आती है कि आरएपीडी करने के लिए भी हमें इंडिविजुअल्स के डीएनए की आवश्यकता होती है। हमने डीएनए ले लिया और डीएनए के बाद, मतलब डीएनए मिल जाने के बाद, अब हम लोग उस डीएनए का करेंगे पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन। हम यहाँ पर करेंगे उसका पीसीआर। अब पीसीआर में हमको पता क्या क्या चाहिए, पीसीआर में हमको डीएनए का सैंपल चाहिए, हमें टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, हमें मैग्नीशियम आयन चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली एटीपीसी आप जानते हैं, ठीक है, बफर चाहिए, प्राइमर्स की आवश्यकता है ना? हमें ये सारी चीजें जो एक मास्टर मिक्स करते एक पूरा कॉम्पोनेंट होता है ना, हमें वो सारी चीजें पीसीआर करने के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा प्राइमर। प्राइमर हमारा यहाँ पर सबसे बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो प्राइमर है वो हमारा कैसा है, रेंडमली डिजाइन किया हुआ है, मतलब उसमें आर्बिट्ररी सीक्वेंसेस है। हमारा प्राइमर डीएनए की किसी एक निश्चित साइट पर बाइंड करने की बजाय वो हमारे डीएनए में रेंडमली कहीं पर भी बाइंड कर लेगा, क्योंकि हमें जो प्राइमर को हमने यूज किया है तो उस प्राइमर को यूज करने से पहले हमें डीएनए में जो सीक्वेंसेस है हमें उनकी जानकारी तो है ही नहीं, है ना, हमने उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, हमें नॉलेज सीक्वेंस की जानकारी नहीं है, तो हमारा प्राइमर कहीं पर भी बाइंड कर सकता है। यहां पर हम दो प्राइमर यूज करने वाले हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, दो प्राइमर यूज करेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो जैसे हम अपने इस पीसीआर में हमने पूरा मास्टर मिक्स को हमने यहां पर पूरा शिफ्ट कर चुके होंगे, पीसीआर अपना शुरू करेंगे, हमारा पीसीआर चलेगा, तो फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर, मतलब जो हमारा डीएनए सैंपल है, तो आप भी जानते हैं डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, एक होता है उसमें टेम्पलेट डीएनए और दूसरा होता है उसमें जिस पर हमारा पूरा जो डीएनए पूरा लीडिंग लैगिंग स्टैंडिंग सब आप नाम आप लोगों ने सुना होगा, रेप्लिकेशन जब हम लोग बात करते हैं, है ना, एक लीडिंग है एक लैगिंग है। तो यहां पर पीसीआर में जिस डीएनए पर सिंथेसिस हो रही है वो हमारा टेम्पलेट डीएनए हो गया। ऑलराइट, तो हमारे टेम्पलेट डीएनए स्टैंड पर हमारे प्राइमर बाइंड करेंगे, है ना, दूसरे फॉरवर्ड और दूसरे में रिवर्स, ऐसा बाइंडिंग होगी, ठीक है, बाइंड शुरू हो जाएगी। अब यहां पर देखना यह है कि हमें पीसीआर प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है। यदि डीएनए में कहीं कोई म्यूटेशन है, ऑलराइट, अगर कहीं पर गैप है, तो जो पीसीआर प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, जो प्रोड्यूस होगा, एक तो पीसीआर प्रोडक्ट हमको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में जैसा डीएनए था होना चाहिए वैसा था नहीं, म्यूटेशन के कारण उसमें चेंजेस आ गए। तो अगर कहीं पर चेंज है तो उसका इफेक्ट पीसीआर का जो प्रोडक्ट होगा, जो बनेगा प्रोडक्ट, हमें वो रिजल्ट उसमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहां पर भी हम उन जो पॉलीमॉर्फिक है, ये जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए यहां पर नाम लिखा हुआ है, यहां पर भी हम उस जो पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन जो हो चुका होगा, जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट होगा, उस एक व्यक्ति के डीएनए का एम्प्लीफिकेशन अलग होगा तो दूसरे व्यक्ति में जो डीएनए प्रेजेंट है उसका एम्प्लीफिकेशन अलग होगा। कारण क्या है, दोनों, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, दोनों इंडिविजुअल में डीएनए प्रेजेंट है, दोनों के अंदर जेनेटिक मार्कर भी है, दोनों का डीएनए एक दूसरे से मोर देन 90-95% मैच भी करता है, लेकिन कुछ सीक्वेंसेस मैच नहीं करते हैं। और आप लोगों ने रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में जरूर सुना होगा, ऑलराइट, कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मतलब कि ऐसे सीक्वेंस जो किसी भी जीनोम में कई बार रिपीट होते हैं, है ना, और नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो रिपीट नहीं होते। तो जो प्रोकैरियोटिक है, मतलब जो बैक्टीरिया है, उनमें नॉन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, और कुछ लोअर यूकैरियोट्स में। और जब हम बात करते हैं हायर यूकैरियोट्स में, क्योंकि उनका जीनोम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज्यादा, आप लोगों ने वीएनटीआर वगैरह का नाम सुना होगा, ऑलराइट। सो जो दोनों इंडिविजुअल के डीएनए में जो पीसीआर हो जाने के बाद जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस बात को जरा समझिएगा कि मैंने यहां पर एक डीएनए लिया है, यहां पर हम दो इंडिविजुअल के डीएनए के साथ काम करने वाले, तभी तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ऑलराइट। तो हर व्यक्ति के डीएनए में, आपको पता ही है कि हर व्यक्ति के डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस है, हम लोगों में रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा ही होगा, हम लोगों में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस तो है, ठीक है, यूनिक सीक्वेंसेस भी है, मार्कर्स भी है, लेकिन हमारे डीएनए में जो सीक्वेंस होगा वो
उसका रिपीटेशन अलग होगा, हो सकता है वो उसके 5 रिपीटेशन हो, किसी दूसरे व्यक्ति के में वही जो सीक्वेंस है उसका रिपीटेशन 8 बार हो या 10 बार हो, है ना। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस की रिपीटेशन, मतलब जो VNTR जो हम लोग नाम लिया है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसके रिपीटेशन के, मतलब ये 3 बार रिपीट हो रहा है एक व्यक्ति में, 5 बार रिपीट हो रहा है या 8 बार रिपीट हो रहा है, और दूसरे व्यक्ति में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीटेशन होगा, है ना, एक में 5 बार हो रहा है, एक व्यक्ति में केडीएन में 5 बार रिपीट हो रहा है, दूसरे के में 10 बार हो रहा है, तो निश्चित सी बात है उसका जो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के में 5 बार रिपीट हुआ, दूसरे के में 10 बार रिपीट हुआ, तो वही डीएनए जब एम्प्लीफाई होगा तो उसका जब एम्प्लीफाइड पीसीआर प्रोडक्ट जब मिलेगा तो उसमें डिफरेंसेस आएगा ही आएगा। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये यहाँ जो पॉलीमॉर्फिज्म आई है दोनों व्यक्ति के इंडिविजुअल का जो डीएनए है, यही इसी के द्वारा हम अपना जो मैटरनिटी पेटर्निटी टेस्टिंग है हम ये कर सकते हैं, क्रिमिनल टेस्टिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये RFLP RAPD, या मैंने आपको दो चीजें डिस्कस की है, RFLP पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड अप्रोच है और RAPD PCR बेस्ड है। RFLP में हमें DNA का सीक्वेंस पता होता है, RAPD में हमें सीक्वेंस पता नहीं होता है। ऑलराइट, यहां पर हम जो प्राइमर यूज करते हैं वो DNA पर रैंडमली कहीं पर भी बाइंड कर सकता है, लेकिन RFLP में तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस सदर ब्लॉटिंग प्रोब एडिशन हम लोग ये काम करते हैं वहां पर। RFLP में ज्यादा अमाउंट में DNA की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ PCR में इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि PCR हम एम्प्लीफिकेशन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ऑलराइट, RAPD में जो रिजल्ट है वो कम समय में हमको मिल जाता है, RFLP में रिजल्ट में समय बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, है ना। ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पर रैंडमली हम चीजों को यूज कर रहे हैं, रैंडमली DNA का कोई भी रैंडमली किसी सीक्वेंसेस का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ऑलराइट, और वहां पर और RFLP में हमारी चीजें एक्यूरेट है, सेंसिटिव है चीजें वो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो था ये RAPD पर बनाया गया था, इससे पहले का वीडियो RFLP पर था। ऑलराइट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जेनेटिक मार्कर, मैंने यहाँ पर दो आपको डिस्कस किए हैं, एक RFLP और दूसरा RAPD, आपको ये दोनों टेक्निक समझ में आई होगी, इसको और पढ़िए, लॉकडाउन का विशेष तौर पर पालन करिए, हम लोग हमारे शहर में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑलराइट, सो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने सारे काम को करिए, लॉकडाउन का बहाना करके या लॉकडाउन के कारण अपने किसी काम को छोड़िए मत, पेंडिंग मत रखिए, उस काम को करिए लेकिन सुरक्षित रहकर। आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर आपका परिवार सुरक्षित होगा, और मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि यदि आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई के साथ कोई भी लापरवाही मत करिए। ये ऑनलाइन स्टडी इसीलिए आपके लिए करवाई जा रही है ताकि आप घर बैठे अपनी सारी पढ़ाई को कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।